हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ऑलराउंडर चैनल। मैं आपकी फ्रेंड लक्ष्मी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे जो बेल आइकॉन दिया है उसे आप ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरा नया नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो मैं आज आपको जैसा देख रहे हैं मेरे लल्ला सो रहा है, तो मैं कान्हा जी के आपको छोटा सा मच्छरदानी बनाना सिखाऊंगी। इसे मैंने यूट्यूब से ही एक आंटी से सीखा था, बहुत अच्छे से बनाया था उन्होंने। तो आप इसे थोड़ा सा, उन्होंने जो बनाया था वो अलग था, मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया है। बाकी आप जैसे चाहें जो चीज़ें चाहें लगा सकती हैं, अलग से उन्हें ऐसे सुलाइए, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अगर मासूम सा कोई छोटा सा बच्चा सो रहा है तो मैं आपको दिखाती हूँ इसे मैंने क्या क्या बनाया है। इसके पहले आपको ऐसा ओवल शेप का एक बोर्ड, थोड़ा सा थोड़ा जो मोटा हो वो आपको काटना होगा। और तार ले लीजिए, एक मोटा सा तार। मैं आपको किसी दिन बना के दिखाऊंगी, अभी मैं फ़िलहाल आपको बनाना बता देती हूँ। तार लगाया है और ये जो देख रहे हैं आप, ये देखिए कड़ा है, तो ये भी तार है, नहीं तो हमारी मच्छरदानी खड़ी कैसी होगी। ऐसा आपने एक दो तीन मैंने लगाया है, यहाँ पर भी है, ये देखिए, ठीक है। और इसे पतला नेट लगा हुआ है, इसमें आप बीच में इस तरह से चिपका सकती हैं, जैसे ये लगा हुआ है। फिर ये मैंने एक फूल लगा दिया है यहाँ पर, बहुत सुंदर दिख रहा है। और मैंने इसकी जो बेडशीट है वो भी मैंने अलग से बनाई है। यहाँ से ये देखिए ऐसा खुलता है ये, ठीक है, ये खुलेगा, यहाँ से लल्ला अंदर जाते हैं और सो जाते हैं। तो आप इसे फिर ऐसे खींच दीजिए ये ऐसे, और बाकी ये जो है पूरा ये चारों तरफ से सिला हुआ है। और ये देखिए लेस लगी हुई है, तो ये दिखता भी बहुत अच्छा। अब आप समझ गए होंगे इसका शेप कैसा। ये अंदर उसके तकिया है, अभी मैं उनको उठा देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया। उनकी बेडशीट, पिलो, सारी चीज़ें ये देखिए। नीचे मैंने एक लाल कलर का कपड़ा लगाया हुआ है, और ये जो गोल्डन देख रहे हैं ये मैंने इसे लगाया, सुंदर दिखता है ये पैरदान के जैसा, ठीक है। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और ये डेकोरेशन ही है। और ये देखिए ऐसे उठ जाती है ये मच्छरदानी, यहाँ से ये अंदर जाते हैं कान्हा, सो जाते हैं प्यारी प्यारी मीठी मीठी नींद। और ये फिर आप इसको ऐसा कर दीजिए, तो ये हो गया झूला, ओ उनका मच्छरदानी। और ये देखिए ये है उनकी कोल बालिश, बंगला में कहते हैं बच्चों को, ऐसा गोल आप लंबे सी तकिया होती है जिन पे वो एक हाथ और एक पैर रखते हैं, सोने के लिए बहुत कंफर्टेबल होता है। ये एक हो गया, और आपको दिखाती हूँ अभी एक, ये देखिए ये गद्दा है जो हमने अंदर में बिछाया हुआ था, ऐसा आपको यही शेप बनाना है ऐसा, ठीक है। नाप के आप बना लेंगे। इसके अंदर देखिए नरम नरम ये मुड़ जाता है पूरा ऐसा, ये जो नरम है पीला ही बनाइए क्योंकि उन्हें पसंद है। और अंदर आप एक फर आता है वो आप डाल देंगी। ये एक तकिया और है, दो तकिया हमने इस तरीके से बनाई है। और उनके सर के लिए ये एक तकिया है, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। ये आप चौकोर बना लीजिए, अंदर में थोड़ी सी कॉटन साफ लीजिएगा। और ये जो है छोटा सा ये शॉर्टन रिबन का मैंने लेस लगाया हुआ है ऐसा, और ये शॉर्टन रिबन का ही है, छोटा सा आप ऐसे रोज़ बना दीजिए और उसको लगा दीजिए। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको उनकी चादर दिखाती हूँ, ये देखिए ये चादर है, मैं इस पर बिछा के दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए दिख रहा है, कुछ भी नहीं है, चौकोर कपड़ा काटिए और यहाँ मत लगाइएगा, एक साइड छोड़ दीजिए, ठीक है। सिर्फ तीन साइड लगाना है आपको, ऐसे एक लेस ले लीजिए, ये जो फर निकलते हैं ना ये बहुत अच्छे दिखते हैं, इसको आप बस एक तरीके से ऐसा लगा दीजिए। और नीचे के साइड में जहाँ आपने सब प्लेन छोड़ा है उसके नीचे साइड में आपको दोनों कॉर्नर में ऐसा एक एक ऐसा चिपका दीजिए, चाहे सिल दीजिए, सिलना बेटर है क्योंकि आप धोएंगे तो फिर वो ख़राब नहीं होएगा। और ये उसकी बेडशीट होगी, कितनी प्यारी है, ये ओढ़ लेते हैं भाई थोड़ा। अब ये क्या है, मैंने जो कपड़ा लिया ना वॉलवेट है, तो वेलवेट जो है ये थोड़ा गर्म आता है, तो ठंडी में आप इन्हें उड़ा सकती हैं। और अभी मैं आपको उनके कपड़े दिखाती हूँ, जो स्वेटर मैंने उनके बनाए, स्वेटर की चलिए मैं अगली वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर पूछिएगा। अगर आप इसे बनाना सीखना चाहती हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं इसे बनाना भी बताऊँगी पूरी तरीके से कि क्या क्या चीज़ें आपको लगेंगी और कैसे बनाना है। थोड़ा सा हो सकता है आपको डिफ़िकल्ट लगे, तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मैं आपकी फ्रेंड लक्ष्मी, दिल से बोलिए जय श्री हरी।